नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है भुट्टा कैसे भूनते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपने ज़िंदगी में रोस्टेड कॉर्न ज़रूर खाया होगा, तो चलिए हम भी इस तरह से ही खाना शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता ही है दोस्तों, मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दालों के खेत में। यहाँ पर दालों के साथ मक्की बोई गई है, ये अभी छोटी है दोस्तों, लेकिन सामने जो हमने मक्कियाँ बोई है वो हो चुकी है 10-10 फीट की, और उसमें लग चुके हैं भुट्टे दोस्तों। अभी वो भुट्टे कच्चे हैं, इसलिए उनको भून कर खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सामने खेतों में जाने पर एक ख़तरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सामने वाले खेतों में जाने में क्या ख़तरा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम रहते हैं पहाड़ में, और सामने ये है जंगल, यहाँ से आते हैं दोस्तों बंदर। जैसे बंदरों की पलटन बड़ी बड़ी होती जाती है, उसमें कोई 2 बाहुबली पैदा हो जाते हैं दोस्तों, और वो लड़ते हैं अपने वर्चस्व के लिए। उसमें से जो कोई बंदर जीत जाता है दोस्तों, वो बनता है टोली का राजा। लेकिन जो हारा हुआ बंदर दोस्तों, वो हो जाता है बेचारा, और उसे वो गैंग छोड़नी पड़ती है। तो वो अकेला बंदर भटकते भटकते दोस्तों आ जाता है मक्की के खेत में, आजकल मक्कियाँ खाने के लिए। और यहाँ पर ऊपर नीचे होते हैं दोस्तों, खेतों में घास करने के लिए आए होते हैं लोग। जैसे ही उनको पता चलता है कि मक्कियों के पेड़ हिल रहे हैं, वो सोच सकते हैं कि शायद कहीं बंदर तो नहीं आ गया, तो वो फेंक देते हैं दोस्तों पत्थर। और कई बार तो मक्की के खेत में बंदर होता है, लेकिन कई बार मक्की के खेत में आदमी भी होता है दोस्तों, इसलिए इन खेतों में जाने में खतरा है। दूसरा खतरा इस तरह का होता है दोस्तों, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो खीरा ज़रूर खाया होगा। हमने यहाँ पर पहाड़ी खीरा इन खेतों में बोया होता है। पहाड़ी खीरे की जो लता है दोस्तों, वो चिपटती जाती है मक्की के पौधों में, और उसमें लग जाती है पहाड़ी काकड़ियाँ। खीरे को हम काकड़ी कहते हैं दोस्तों। तो उनको चुराने के लिए भी कई बार दोस्तों, जैसे कि बीच बीच से हमारे खेतों में मेन रास्ते हैं जो कि अलग अलग गाँव को लिंक करते हैं, तो कई बार इधर ऊपर नीचे वाले लोग सोचते हैं कि कहीं यहाँ पर खीरा चुराने के लिए कोई तो नहीं आ गया है, तो वो इसलिए भी ऊपर नीचे से पत्थर फेंकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर फूटने का डर है, इसलिए जब भी आप हिमाचल आए दोस्तों, तो मक्की के खेत में आप बिल्कुल सावधानी से जाएं, या मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप मक्की के खेत में ना ही जाए। कप्पे हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो चलिए चलते हैं मक्के के खेत में। अब आपको तो बताना ही है दोस्तों कि मक्का कैसे भूनते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो क्यों ना थोड़ा सा खतरा मोल ले ही लिया जाए। तो चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे से। ये है दोस्तों पहाड़ी रास्ते, और इसमें है पत्थर और उबड़ खाबड़ ये रास्ते हैं दोस्तों। लेकिन हमें तो इन रास्तों में चलने की आदत है दोस्तों। तो अब पहुंच गए हैं हम खेत में दोस्तों, यहीं पर हम मक्कियाँ भूनेंगे। और यहाँ पर हम रख देते हैं ये केल्टा दोस्तों। चलते हैं आगे। यहाँ पर भी बीच बीच में मक्कियाँ बोई गई है दोस्तों। ये है भुट्टा, लेकिन अभी ये है थोड़ा सा छोटा, अभी इसमें उस तरह के बीज नहीं लगे हैं दोस्तों, इसको कच्चा ही खाया जाए। तो चलते हैं आगे और लाते हैं खेतों से भुट्टा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर दाल वाले खेत हो चुके हैं ख़त्म, और यहाँ से लगते हैं भुट्टे वाले खेत। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भुट्टा खाया है यहाँ पर चूहे ने। चूहे इस तरह से भुट्टे के पेड़ को कुतर देते हैं, और इस तरह से कुतरते हैं मक्की को, और कई बार आ जाते हैं दोस्तों बंदर भी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे आगे आगे। ये देखिए किस तरह से इन भुट्टों की हाइट है दोस्तों, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों रास्ता कहाँ से है। और अब हम पहुँच चुके हैं
जहाँ पर होंगे बड़े बड़े से दिखते दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं और छाँटते हैं बढ़िया सा भुट्टा दोस्तों। इसको इस तरह से हम चेक करके देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर किस तरह के दाने हैं, कितने हार्ड है या कितने सॉफ्ट है। तो दोस्तों ये भुट्टा बिल्कुल सही लग रहा है और इस तरह से हमने ये तोड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम भुट्टे के खेतों में घुसते हैं तो ये भुट्टे कितनी ऊंचाई पर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि कोई पत्थर फेंक दे, चलते हैं भुट्टा लेकर वापस। दोस्तों बंदर भी इसी तरह से आते हैं, वो क्या करते हैं कि खेतों में आकर उड़ा ले जाते हैं भुट्टा और खाते हैं कहीं साइड में, ताकि उनको कोई भी खतरा ना रहे दोस्तों। दोस्तों मैं तो अभी आवाज़ कर रहा हूँ, इसलिए सबको पता चल रहा है कि कौन खेत में आया था और कौन भुट्टा ले गया। लेकिन अगर मैं चुपचाप से आता दोस्तों, तब ज़रूर ही पीछे एक पत्थर भी आता। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दालों के खेत में और हमारा मक्की के भुट्टा भूनने का सामान थोड़ा ही दूर है दोस्तों। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम उस जगह जहां पर हमने किल्टा रखा था। तो अब सबसे पहले इस भुट्टे को छीलते हैं दोस्तों। इसको छीलने के लिए इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, ये है भुट्टे की मूछें। हम बचपन में इस तरह की इससे मूछें लगाते थे दोस्तों। और इसके जो ये बाल हैं दोस्तों, ये होते हैं फाइबर से भरपूर। अगर इसको खाया भी जाए दोस्तों, तो जो किडनी की बीमारियां वगैरह हैं वो भी इससे ठीक होती है। तो दोस्तों ये तोड़ दिया है हमने भुट्टा। अब जहाँ पर हम भुट्टा भुनेंगे दोस्तों, वहाँ पर हम इस तरह से इसको रख देंगे और इस भुट्टे को कर देंगे इस तरह से खड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कर दिया है भुट्टा खड़ा और थोड़ा सा इसमें जगह बनानी पड़ेगी ताकि ये बिल्कुल इस तरह से टिक जाए। तो दोस्तों इसको भूनने के लिए हमने लाया है ये चलारू। दोस्तों हिमाचल में होते हैं चीड़ के पेड़ काफ़ी। ये है सूखी चीड़ की पत्तियां, इसे कहते हैं चलारू। ये काफ़ी ज्वलनशील होता है दोस्तों और काफ़ी फास्ट और तेज़ी से जलता है। हिमाचल प्रदेश में इसे जब सवेरे चूल्हे में आग जलाई जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शहरों में तेल से लकड़ियां जलाई जाती है, वैसे ही चलारू या एक होती है दोस्तों चीड़ की लकड़ी जिसमें होता है बिरोजा, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बिरोजा वाली लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसका जो टेस्ट है उससे आ जाएगी मक्की में कड़वाहट। लेकिन ये चलारू में कोई भी टेस्ट नहीं होता, इसलिए हम मक्की भूनने में चलारू का यूज़ करेंगे। पुराने समय में दोस्तों इस चलारू को इस तरह से बेंड किया जाता था और इसमें लगाए जाते थे हरे पत्ते इस तरह से। और जब टॉर्च नहीं थी दोस्तों, तब इसमें आग लगा के आगे से इसको बनाया जाता था टॉर्च। और ये काफ़ी लंबा तौर पर होता था दोस्तों, जैसे मशाल की तरह। और ये है पुराने ज़माने की मशाल। पुराने ज़माने में चलारू को टॉर्च भी बनाया जाता था। तो दोस्तों ये हमने लाइटर लाया है, ये देखिए चलारू किस तरह से जलता है। दोस्तों अब हम मक्की भूनना कर रहे हैं शुरू। यहाँ पर देखिए, अब धीरे धीरे से ये चलारू आग पकड़ेगा और इसके अंदर है मक्की दोस्तों। दोस्तों वैसे तो लकड़ियों के
कोयले से भूनकर मक्कियाँ बनाई जाती है। शहरों में तो आपने देखा होगा दोस्तों कि रोस्टेड कॉर्न को जो सड़कों के किनारे किस तरह से भुना जाता है, या गैस में भी भुना जाता है या कई बार ओवन में भी भुना जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा तो फार्मूला काफ़ी समय से ऐसा ही रहा है। हालांकि हम चूल्हे में भी मक्कियाँ भूनते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट से जल्दी से इंस्टेंट तौर से मक्की भूननी हो तो हम इसी तरह से भूनते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारी मक्की कहाँ पर है, अब हम थोड़ा सा चलारू इसमें डाल देते हैं। दोस्तों और इस तरह से मक्की धीरे धीरे से पक रही है। दोस्तों ये देखिए जो पड़ पड़ की आवाज़ है दोस्तों, ये आ रही मक्की से। और जैसे जैसे ये चलारू ख़त्म होता जाता है, ये देखिए भुनी हुई मक्की किस तरह से हमें दिख रही है। धीरे धीरे से अभी हम इसमें और चलारू डालेंगे दोस्तों, ताकि ये मक्की पूरी तरह से भुन जाए। दोस्तों लकड़ी के कोयले के एक एडवांटेज ये है कि लकड़ी का कोयला जल्दी से ख़त्म नहीं होता, जबकि चलारू जल्दी से जलकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये देखिए दोस्तों हमने कितनी सारी मक्की भून ली है। अब इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं और इसमें भी डाल देते हैं चलारू, ताकि जो इसका ये कच्चा भाग है दोस्तों ये पक जाए, और फिर हम भून लेंगे मक्की। दोस्तों दोस्तों यहाँ सामने है अखरोट का पेड़, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सामने है दोस्तों अखरोट का पेड़। अगर मक्की के साथ अखरोट खाया जाए तब सोने पे हो जाता है सुहागा। दोस्तों चलिए देखते हैं कि अगर हमें अखरोट मिल जाए। ये है दोस्तों सामने अखरोट का पेड़। ये देखिए दोस्तों हमें मिल चुका है अखरोट। अभी ये पैक है इस तरह के खोल में, तो इसको हम तोड़ना भी शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए ये है अखरोट, और ये इसमें बाहर होता है इस तरह का कवर। दोस्तों अगर ये ज़्यादा हाथ में लग जाए तब मेहंदी जैसी हाथ में लग जाती है। ये देखिए दोस्तों ये हमने तोड़ दिया है अखरोट। ये है दोस्तों ताज़ा ताज़ा पेड़ से गिरा हुआ अखरोट। ये है इसका बाहर का हार्ड खोल, ये है अंदर की गिरी। तो दोस्तों आज तो मज़ा ही आ गया, अखरोट का पेड़ भी अखरोट की गिरी। दोस्तों रात में इस पेड़ों में आती है गिलहरियाँ, इसलिए यहाँ पर ये अखरोट इस पेड़ से गिरते हैं। दोस्तों अब हो चुका है हमारा चलारू ख़त्म, और लगभग हमने ये मक्की भून ही ली है। दोस्तों ये अखरोट की गिरियों को हम रखते हैं यहाँ पर, और इस मक्की से करते हैं राख साफ। ये देखिए दोस्तों ये हमने मक्की भून ली है चलारू से, किस तरह से ये मक्की भुनी है। अभी ये गर्म है दोस्तों, अभी ये पकड़ी नहीं जा रही है, तो इसको पकड़ने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला हम अपनाते हैं। यही मक्की का जो पत्ता था दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि मक्की कैसे भुनी है। दोस्तों वाह, इसके दाने बिल्कुल नरम है दोस्तों, और ये खाने में है मीठी, और
साथ में दोस्तों है अखरोट की गिरी। अगर अखरोट और मक्कियों के दाने को एक साथ खाया जाए दोस्तों, इससे बेहतर कोई भी टेस्ट नहीं हो सकता दोस्तों।